नमस्कार, मैं हूं मित्र। गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हुवावे का सब ब्रांड हॉनर इंडिया में कितना ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। यहां पर आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपये से लेकर 60-70 हज़ार रुपये तक के फ्लैगशिप फोन भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्राइजिंग की, तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा अग्रेसिव होती है। हाल ही में हमने देखा है हॉनर प्ले, जो कि लॉन्च हुआ है सिर्फ 20 हज़ार रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको मिलता है क्रीन का 970 चिपसेट, जो कि हॉनर पहले आपको लगभग 30 हज़ार से ऊपर के फोन में देता था, और हॉनर प्ले के साथ उन्होंने लॉन्च किया सिर्फ 20 हज़ार रुपए की प्राइस में। और इस फोन के लॉन्च होने के बाद काफी सारी कंपनियां लग गई कि इस फोन को कैसे कंप्लीट किया जाए। और आपने देखा ही होगा, Xiaomi का जो Poco F1 है, इसी को कंप्लीट करने के लिए ये प्राइसिंग के साथ में आया है। तो कहने का मतलब यह है कि काफी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में आता है Honor Play। नो डाउट अच्छा फोन है 20 हज़ार रुपए की प्राइस में, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की, तो यहां पर 20 हज़ार रुपए की ASP नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग 20 हज़ार रुपए तक के फोन नहीं खरीदते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो खरीदते हैं 10 से 15 हज़ार तक के फोन, तो वहां पे Honor Play थोड़ा सा महंगा हो जाता है उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आपका बजट है 10 से 15 हज़ार रुपए और आप लेना चाहते हैं ऐसा ही पावरफुल फोन Honor की तरफ से, तो आपके लिए आने वाला है Honor का ATX। जी हां, यह फोन चाइना में कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है, और बताया जा रहा है कि इंडिया में भी यह फोन नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लीक्स भी यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं कि यह फोन कब लॉन्च होने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे आज इस वीडियो में इस फोन के की फीचर्स की, कि क्या आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है और यह फोन किन किन फोन से कंप्लीट कर सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं Honor के ATX के बारे में और ज्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, तो आपको बता दें Honor की जो प्राइस होती है चाइना और इंडिया में ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं Honor Play की, तो ये चाइना से कम प्राइस पे इंडिया पे लॉन्च हुआ था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं Honor के ATX के प्राइस की, तो यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं 3 वेरिएंट, जहाँ पे आपको 4GB RAM 64GB स्टोरेज, 6GB RAM 64GB स्टोरेज और 6GB RAM 128GB के वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं बेस वेरिएंट की, जो कि होगा 4GB RAM 64GB स्टोरेज, वो चाइना में लॉन्च किया गया है लगभग 14,500 रुपये की प्राइस में। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में भी 14 से 15 हज़ार रुपये की प्राइस में ही 4GB RAM 64GB वाला वेरिएंट लॉन्च हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस फोन के बारे में कि क्या है इस फोन की हाईलाइट फीचर, क्या आपको मिलने वाला है इस फोन में, और फिर हम बात करेंगे कि यह फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलने वाला है जो कि हमने देखा था Honor Play में। सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है इसके बैक डिज़ाइन में। जी हाँ, Honor ATX का जो आपको बैक मिलने वाला है वो आएगा ग्लास फिनिश के साथ में, जो कि काफ़ी प्रीमियम बना देता है उस फोन को। और आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो हमने Honor 10 या फिर Honor 10 View देखा था, कुछ उस टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। जबकि Honor Play में आपको कंप्लीट यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन देखने को मिलता है। और फ्रंट साइड से बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम वैसा ही दिखने वाला है फ़ोन, लेकिन बैक डिज़ाइन आपको मिलने वाला है ग्लास फिनिश के साथ में। तो नो डाउट एक प्रीमियम डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। बात करें डिस्प्ले की, तो आपको बता दें Honor के ATX में आपको मिलने वाला है 6.5 इंचेस का एक फुल HD+ IPS डिस्प्ले। जी हाँ, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है Honor Play का भी, और नो डाउट Honor ATX का भी डिस्प्ले वैसा ही देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस की, तो Honor Play से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्राइस में वो फ़ोन लॉन्च होगा उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, इस फोन में यूज़ हुआ है क्रीन का 710 चिपसेट, जो कि हमने Huawei के Nova 3i में देखा था, जो कि लगभग 21,000 रुपये का फ़ोन है, और वही चिपसेट आपको मिलने वाला है 14 से 15 हज़ार रुपये की प्राइस में। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा चिपसेट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है Huawei के Nova 3i में, जो कि काम करता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यह फोन लॉन्च हुआ है 3 वेरिएंट में, 4GB RAM 64GB स्टोरेज, 6GB RAM 64GB स्टोरेज और 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ में। तो यहाँ पे आपको तीनों अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 3750 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे आपको कैमरास में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका रियर कैमरा दिया गया है 20 MP का। और अगर हम बात करते हैं डेप्थ सेंस कैमरे की, तो वो तो सेम ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि है 2 MP का। यहाँ Honor का आप कोई सा भी फ़ोन उठा के देख लीजिए, 2 MP का ही डेप्थ सेंस कैमरा आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको सेम इसी फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कैमरे की, तो वो है 20 MP का, और वो आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। तो यहाँ पर कमाल की लो लाइट कंडीशंस फोटोज़ भी आपको मिलने वाली हैं। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो वहाँ पे दिया गया है 16 MP का फ्रंट कैमरा,
जो कि है F2.0 अपर्चर के साथ में। तो ये है कंप्लीट पैकेज। और अगर हम बात करते हैं ये है फ़ोन कौन कौन से फ़ोन से कंप्लीट करेगा, तो नो डाउट इस प्राइस में आपको बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं Xiaomi की, तो Redmi 6 Pro है, Redmi Note 5 Pro है, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो Mi A2 है। इन सारे ही फ़ोन को कंप्लीट करेगा Honor का ये 8X। इसके अलावा Nokia ने अभी लॉन्च किया है Nokia का 6.1 Plus। अगर हम बात करते हैं Realme की, तो Realme 1 है या फिर Realme की तरफ से आने वाला जो नया फ़ोन है वो भी इसको कंप्लीट करेगा। तो नो डाउट काफ़ी सारी रेंज आपको देखने को मिल जाती है इस प्राइस के फ़ोन्स में, और Honor 8X उसमें से बिल्कुल अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जंग अभी चल रही है लगभग 20,000 रुपये के फ़ोन में, वैसे ही जंग होने वाली है बहुत ही जल्द लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में। अब बात करते हैं कि यह फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है। तो कुछ लीक्स निकल कर आई हैं कि यह फ़ोन इंडिया में 22 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, ये कन्फर्म नहीं किया है अभी तक Huawei ने या फिर Honor ने, लेकिन यह लीक्स हो सकती हैं कि कन्फर्म हो और यह फ़ोन इंडिया में लगभग 22 अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो सकता है। और जैसा भी हमने देखा है कि जब कोई फ़ोन चाइना में लॉन्च होता है Honor या फिर Huawei की तरफ से, वो हमें 1 से 1.5 महीने बाद में इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ही चाइना में लॉन्च हुआ है Honor 8X कुछ ही दिन पहले, तो हो सकता है कि ये बात कंफर्म हो 21 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर के आसपास आपको यह फोन इंडिया में भी देखने को मिल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी डील होगी, क्योंकि 14 से 15,000 रुपये का जो मार्केट है अभी इंडिया में वो थोड़ा सा फीका हो गया है। सब ब्रांड पुश कर रहे हैं लगभग 20,000 रुपये की प्राइस को। तो मेरे हिसाब से Honor 8X काफ़ी अच्छी डील हो सकती है कि अगर 14 से 15,000 रुपये की प्राइस में ये लॉन्च होता है। आपका क्या सोचना है, आप कितना एक्साइटेड हैं Honor के 8X के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं सही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल ऐसा हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।